गाइस गोलगप्पे लेके आ चुके हैं ऐसा बोलते हैं। और भाई फिर गोलगप्पे खाएंगे, मैं तो खाऊंगा ना भाई, हम तो खाइए मोमोज, तो मम्मी खाएंगी गोलगप्पे और उसके बाद फिर देखते क्या होता है। हम चलते तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया व्लॉग बनाने में, क्योंकि भाई मतलब सिर में बहुत दर्द हो रहा था, सो रहा था एकदम, तो लेट हो गए अपन। और भाई दोपहर के बज चुके हैं, दो बज गए यार दोपहर के। और अभी तुषार घर गए थे भाई, वहाँ से मैगी वही खा के आए एकदम से, बोलता हूँ मैगी खा के मैं तुषार के घर पर ही सो गया। तुम्हारा भाई तुषार के घर पर ही सो गया, और उसके बाद 15 मिनट के लिए सो पाया, क्योंकि 15 मिनट ही सोया। फिर उठ के उसके बाद फिर आए घर पर, और घर पर आए और फिर दोबारा तुषार को भी लेकर आ गया घर पर। मैं चलता हूँ घर पर है, और मैं जो फ़ोन था ना, फ़ोन पापा के पास ही था, मैंने पापा को दे दिया फ़ोन। पापा कुछ काम था फ़ोन से, तो पापा को फ़ोन दे दिया। और अपनी धन्नो खड़ी है पीछे, दिख रही है पीछे धन्नो खड़ी है। तो इसी के साथ साथ तुषार भी बैठा अपने अंदर ही, ये बड़ा चोर। तो गाइस मैंने ये सोच रहा था अपना पीसी रूम बनाऊं, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि एक पीसी रूम हो जिसमें अपने मतलब बैठूं आराम से, एक गेमिंग चेयर हो और अपना लैपटॉप हो, एडिटिंग के लिए बहुत चीज़ें हों। तो यार ये कह रहा हॉल में बना लो, हॉल में मुझे सही नहीं लग रहा कि मॉल में बना लो, हॉल में ज़्यादा अच्छा ना रहेगा पीसी रूम मेरे को। तो काफ़ी बड़ा है, और ना लोग आते जाते बहुत रहते हैं, रिश्तेदार हुए सब आते जाते रहते, तो इसमें पीसी रूम तो सही ना रहेगा। तो यार जरा ऊपर बन जाओ जल्दी से ना, तो ऊपर बना लूँगा अपना पीसी रूम। और तुम्हारे भाई ने लाइट वाला वो भी देख लिया एक, जो पीछे नाम लिखा हुआ होगा यू वी ब्लॉक्स, और एकदम से बोलते हैं बढ़िया तरीके से। तो अब चलो इसे देखते हैं आज का सीन क्या होने वाला, और आज यार जो भी सीन होगा आप सबको पता ही पड़ जाए। तो इसी के साथ आप बने रहिए व्लॉग में मेरे भाई। तो भाई मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ, और यार मतलब अभी भी उठा था सो के, और 5 बज रहे हैं, 5 बज गए मतलब करेक्ट। और देख सकते हैं यार बारिश आ गई, देखो बारिश आ गई देखो। तो गाइस बारिश आ गई, दिमाग ख़राब हो गया अब। तो गाइस बारिश आ चुकी है और दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ऐसे बोलते हैं ना यार, कुछ करने का सोचा आज तो दिमाग ख़राब हो गया। बारिश आ गई दोबारा से, और ये बारिश भाई जा के नहीं दे रही, मतलब कल एक प्रोग्राम है, कल हमारे बुलंदशहर में एक पंजाबी नाइट है बहुत तगड़ी से बोलते हैं। तो बारिश आ गई, दिमाग ख़राब हो गया, बट मैं देखता हूँ शायद वहाँ तक जा सकूँ ना। उससे पहले मम्मी ने काम बना दिया, मम्मी जो काम बता दे मेरा, तो गाइस दिमाग ना इतना ख़राब हो जाए, मम्मी काम सही मेरा, तो उस काम करके आना पड़ेगा, और मेरा मन ना करता बिल्कुल भी यार, अब काम करना पड़ेगा मम्मी का। मम्मी ने ना काम बता दिया, सो के उठे ना तो मूड थोड़ा ऐसा ही रहे, और उसी मूड में अगर कोई काम और बता दें तो भाई दिमाग इतना, जिसे बोलते हैं ना दिमाग इतना ख़राब हो जाएगा, क्या बताऊँ। तो करना पड़ेगा यार काम, और क्या करूँ, काम दिया जब मम्मी ने, पता ना यार कब ज़िंदगी से मतलब काम कब छूटेंगे ज़िंदगी से, दिमाग बहुत ख़राब रहेगा। काम करते रहो, घर पे हो तो काम करोगे, और बाहर जाने नहीं देते तो घर पे तो भाई काम ही काम है पूरे टाइम, करते हैं अब काम। तो फाइनली गाइस जा रहे हैं यार, भैया की चाय देने काम है देख लो। और बारिश भाई इतनी जोर की हो रही है, तो बारिश जब हो रही है तो तुषार ही भगा हुआ घर पे आ गया। ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे हो, मत करो रहने दो, रहने तो बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सिंगर नहीं हम ब्लॉगर बनेंगे, वही देख रहे हो बारिश इतनी तगड़ी आ रही है बोलते हैं यार, तो बहुत तगड़े है। मम्मी के तुझे चाय दे भी दिया चाय, तो भाई चलते हैं अभी देखते हैं अपन बाइक, बारिश बंद हो जाए तो फिर चलते हैं मेरे भाई। और भैया अल्लाह वगैरह फोन कर रहा है, चाय भेज दो चाय भेज दो भाई, नौकरी कर ली है, करोड़ों रुपये मिल रहे हैं, रिचार्ज होना करते हैं, बीच वाले भैया रिचार्ज करें भाई, बीच वाले भैया रिचार्ज, भाई बीच वाले भैया रिचार्ज करें, वो ना करते हैं बिल्कुल, निर्दयी है निर्दयी पापी। कई बनाई दी है बीच वाले भैया की है, इतने दयालु भैया आते, दिवाली में फोटो खिंचवाया था उनके साथ मैंने, अरे यार बीच वाले भैया एकदम प्रैंक करेंगे, चिंता मत करो तकड़ा वाला, उनके दिन देख रहे आप जल्दी करेंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी चीजें पहुंचाएंगे तुम्हारे पास। हाँ इसी के साथ बने रहिए ब्लॉग में मेरे भाई। फाइनली गाइस मैं और तुषार भैया को चाय देने के बाद ऐसी बारिश में मतलब मस्त गर्मा गर्म मोमोज, भाई सिंगर मैंने बनेगा। तो गाइस मोमोज खाने जा रहे हैं, जैसे बोलते हैं बारिश में मैं और ये दोनों मिल गए, तो चलो मोमोज खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सब तक, बने रहिए मोमोज मोमोज के बारह खोपड़ी खोपड़ी तोड़ साले, तब तक बने रहिए इससे आप ब्लॉग में मेरे भाई। तो गाइस बारिश के बाद निकला था धनुष, और आपको दिखा दिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है एकदम से बोलते हैं। तो अब चलते हैं दुकान पर, आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे भाई। तो गाइस बारिश के बाद निकला था धनुष, और आपको दिखा दिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है एकदम से बोलते हैं।
तो अब चलते हैं दुकान पर, आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे भाई। तो भैया बहुत तगड़ी भूख लग रही थी दुकान को, तो भैया एकदम खाना चालू कर दिया बच्चे में से खा लेते हैं। भैया बहुत तगड़ी भूख लग रही है बोलते हैं उसके बाद। तो हमारे भाई तो बना रहे हैं वीडियो, हम खाने में लग रहे हैं। भाई बनाते रहो ब्लॉग। ये तो पहले चालू जाम है खाने को अपने, और भाई हमें देखना पड़ता है पहले अपना ऑडियंस को बताना पड़ता है कि आज हम कहाँ हैं क्या खा रहे हैं। तो बस आराम आदमी भाई पानी की तो लगे ही ना भाई, मैं पानी भाई पानी भी का भैया, जब पानी पियेंगे तो पानी की भी कह देंगे भैया, नहीं तो आराम है तो हमें देख ली जब तक हम खा लेते हैं। और आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस अपने मोमोज वोमोज खा के एकदम बढ़िया तरीके से आ चुके हैं, और भाई बिल मैंने पे करा तुम्हारे भाई ने। तो हमारे भाई का मन कर रहा है खट्टा चीज खाने को, अब बताइए क्या खा सकते हैं। यार खट्टा है गोलगप्पे लेके आए ना मम्मी के लिए, गोलगप्पे लेके जाएंगे मम्मी के लिए। बोले बहुत है तो इस साथ आप बने रही ब्लॉग में, हम ले लेते हैं गोलगप्पे। तो भाई नाले मेरी गुजरे मम्मी के लिए गोलगप्पे पैक करा रहे, चोर खड़ा है यहाँ पर, मुझे भी खिला दे गरम ना आती है भाई से पैसे मांगेगा तू। भाई पैसे वैसे खेला मांगा तो पेटीएम कर दिए गाइस, पेटीएम कर दिए इसको तो इससे ले लूंगा उसके बाद। तो अब चलो गोलगप्पे पकड़ा घर चलते, मम्मी कॉल कर रही है चीज़ आप बनी रही ब्लॉग में मेरे भाई। तो गाइस गोलगप्पे लेके आ चुके हैं सब बोलते हैं, और भाई फिर गोलगप्पे खाएंगे, मैं तो खाऊंगा ना भाई, हम तो खाइए मोमोज, तो मम्मी खाएंगी गोलगप्पे और उसके बाद फिर देखते क्या होता है। हम चलते घूमने। तो भैया रात होने के कारण हम सब आए हुए हैं यहाँ पर घूमने, और गाइस रात हो चुके हैं, और तुम्हें पता ही है यार के बस एक मुझे दिखाए लाइट, मैंने कहा लाइट चल यहाँ पर ही बैठ जा रहे हैं थोड़ी बहुत देर अपना टाइम। हमने तो बाइक रोक ली, अब बताओ चलेंगे चले ना चले वीडियो बनाने के अभी। चुक 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 भाई गाड़ी ट्रेन लेके बैठे हैं आज, और तुम्हारा कुलदीप भी आ गया भाई, ये जॉब करा करता था वहाँ पर अपने खुर्जा में, और ये अब बुलेंसर आ गया बेचारे का घुटने की प्लेट टूट गई इसकी। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल पिलियल बोल, सॉरी प्लेट का घुटना टूट गया, क्या बोला जो भी है। तो भाई अपने यहाँ आ गया भाई, अपने यहीं पर जॉब करेगा भाई, और फिर तुषार और मैं तो तुम्हें पता ही है मम्मी गोलगप्पे दे जाकर सीधे घर से नहीं आ गया यार, मम्मी काम जो बता दिया मेरा काम ही बुरा लगता है बस। अब देखो हम बाइक लेके आए, बाइक में पेट्रोल की जरूरत नहीं है, अब तो बैठो जितने चाहे, जितने तुम भी आना चाहो तुम भी आ सकते हो भाई लोगों। अब एकदम बढ़िया बैठे हमने, एकदम अच्छा सा लगा, थोड़ी शांति सी मिलती है कहीं आके बैठने से, एकदम मस्त तरीके से। ऊपर से हल्की हल्की भीगी भीगी घास, छोटे छोटे मच्छर काट लिए क्या कर रहे हैं यार तू, मच्छर होने डाले मोटिन लेके आ कर। तो भैया अपने बैठे हैं अपने थोड़े समय को वो कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर अपने घर चलेंगे, भैया घर से फ़ोन आनी चालू हो जाती है 8 बजे के बाद ही, तो इसी के साथ साथ अपने तब तक बने रहिए आप ब्लॉग में मेरे भाई। तो उसी के साथ साथ गाइस घर से कॉल आ चुकी है, तो मम्मी कह रही घर आए जल्दी से ना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, तुम्हें पता है बारिश के समय भी हो रहा है और बारिश भी होने वाली, और बारिश के बाद ना भाई एकदम से बोलते ना मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो डेंगू से सावधान रहें अपने, और एक काला हिट खरीद ले 75 रुपये का आएगा, ज़्यादा तो और कुछ ना है। मच्छरदानी और खरीद ले भाई लोगों ने, और भाई अब मच्छरदानी का समय आ रहा है और गर्मी आई गई है आपको पता ही है, जैसे कि हमें बारिश से नहीं डर लगता जितना हमारे मच्छर से लगता है। हाँ। तो लंबे लंबे डंक होते हैं भाई लोगों। तो भैया मम्मी पापा से पीसी रूम के लिए बात करी थी ना, पापा ने पीसी रूम के लिए बहुत डांट लगाई, बोले अभी रुक जा अभी तो बहुत टाइम है, बाद में तेरा बनवाई दूंगा जब ऊपर बनेगा। तो भाई अपना पीसी रूम बनाएंगे, तो आप कमेंट करना कि पीसी रूम कितने समय में बना लूँ। तो इसी के साथ साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, प्यार से कमेंट कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राम राम सभी को मेरे भाई।